आज जन्माष्टमी मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, यथात को रेडी करना है, कान्हा बनाना है, बहुत सारे काम है आज, मैं भी रेडी होंगी तो चलिए जल्दी से आपसे मिलते थोड़ी के बाद में आगे ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फिर ये नहीं ऐसे यहाँ हमारे यथार्थ खाना बन रहे हैं, सब इनको खाना बनाने में लगे हैं, बट यथार्थ ये बेटू देखते ऐसे रहा जैसे पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपने कान्हा को देख लिया, अब आप कान्हा की जो माँ है यशोदा माता या रेखी माता, मतलब आप उनको देख सकते हो। मैं रेडी हो गई हूँ और आज मैंने सब पूरा लुक लिया हुआ है और मैं आपको बता दूँ मुझे रेडी करा है, मेरी दीदी भी रेडी करा है अच्छे तरीके से, तो ऐसे छोटी वगैरह बना कर उन्होंने बोला छोटे पहन लो, साड़ी वगैरह पहनाई और ज्वेलरी सारी चीज़ें, और ये दिशो ने मेरे को नथ ली थी पहनने के लिए, सो उन्हें वो पहन ली। एडी की नन्ना दिशो ने अपनी शादी के टाइम पर पाई गई काम नहीं आई, तो आज मैंने उसको पहन लिया है और यस गाइस आई एम रेडी। ये कौन रहता है नाना के साथ में? कान्हा जी छोटा सा कान्हा। और नाना के पास गया तो यथार्थ भी चला गया नाना के पास में, है ना? भाई के पास ऐसे भाई के साथ में ऐसे, अले वाह इतना प्यार, बैठ जाओ शाहरुख। यथार्थ अपने सारे भाइयों को बहुत प्यार करता है, हाँ करा रहे हैं यथार्थ को। फोटो खींचो मासू के बेटे के साथ, मासू जल्दी कुछ बताऊँ, कुछ काम नहीं है, मम्मी प्रसाद वगैरह बना लिया, जस्ट पूजा करेंगे। और इसके अलावा पता है क्या है कि यथार्थ का दिशु का अपना सबका हम लोग फोटो शोशन कर रहे हैं, रील्स फोटोज वगैरह बस क्लिक कर रहे हैं, रेडी वेडी होकर हमारा यही काम है। लाल की जय कन्हैया लाल की, पारी वन मोर पारी, कितनी सारी गाली नहीं जा रही वाली, मम्मा सुंदर लग रही ना उसको। चिड़चिड़ कान्हा चिड़चिड़ कर रहा है, हाँ? कान्हा रोई रोई कर रहा है, भाई ऐसा क्या हो गया, आ जाओ हम लोग खेली खेली करेंगे। हमारा कान्हा भी रेडी हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हमारे कान्हे को हमें बड़ी मुश्किल से रेडी कर रहा है। ये देखो मेरा कान्हा, ये देखो मेरा कान्हा कृष्ण कन्हैया। चलो हमने मंदिर से देखा था, लिपस्टिक भी लगा दी थी आज हमने, तो चलो अभी हमने बहुत प्यारी सी रील बनाई है, जिसने नहीं देखी इंस्टाग्राम पे जाओ, बहुत ही सुंदर सी रील है, चैनल फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं मंदिर में और एक करके जाने वाले को बाकी बिहार जी घर के पास में जस्ट मंदिर, हम लोग वहाँ जा रहे हो, जैसे ही घर से बाहर निकले ना एक और कृष्ण भगवान के दर्शन होंगे हमारे, चलो उसको भी दिखाते हैं, एक बच्चा है वो रेडी हुआ है उसको भी दिखाते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए चलो जाओ, ठीक है ठीक, और हमारे दादा अच्छे से बना लेते हैं। यथार्थ 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 नो Thank you.
श्री कृष्ण जन्माष्टमी। बैठी हुई थी तो सबने कहा कि डांस करो डांस करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं डांस करती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मतलब क्या है कि लाइफ टाइम के लिए मेमोरी सेव हो गई, देखो तो अच्छा लगता है। और हम ढेर सारी मस्ती धमाल करी, यथार्थ ने बहुत सारी शरारतें करी, मतलब एकदम रियल वाला कान्हा लग रहा है। पूछ हो गए कि शिवी इतना लेट व्लॉग क्यों डाला, तो जैसे कि आपको पता ही है कि सारी चीज़ें चल रही हैं, उस वजह से मेरा व्लॉग लेट हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे मैं यथार्थ को ना सैंडल पहना रही हूँ, तो दिशु मेरी वही हेल्प कर रही थी, क्योंकि हम दोनों ने ना साड़ी पहनी, और साड़ी जब पहनते हो ना कभी कभार तो बहुत वो लगता है, संभाल के चलना पड़ता है कहीं गिर नहीं जाओ। और अभी हम कहीं और जाएंगे, तो चलिए आप कुछ ले चलते हैं। पापा इसी दिन जाओ, मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं, यथार्थ इतनी जल्दी आगे आगे घूम रहे हैं। यथार्थ दिख रहे हैं ना शौर्य, आज मेरी सारी वीडियो शौर्य मतलब शूट कर रहा है। चलो अभी चलो चलो चलो। तो मुझे ना 1 वीक हो गया था आए हुए, और मैं दादी से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि फिर रक्षाबंधन, फिर दीदी, और फिर जन्माष्टमी, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि मैं घर से निकल ही नहीं पाई। फिर क्या हुआ, सडन ऐसे सपना टीका आने का हुआ था ना, तो इस वजह से मैं डायरेक्ट नेक्स्ट डे ही कॉलेज के लिए आ गई थी। तो मैंने कहा चलो दादी से भी मिल लेती हूँ मैं आज ही। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि हम लोग घर पे आ गए हैं, पूजा वगैरह सारी हो गई है हमारी, मतलब सॉरी पूजा अभी हुई नहीं, क्लिप हम रिकॉर्ड करके आप लोग सामने शेयर कर देंगे। यहाँ पे हमारे मंदिर की जो लाइट है, घर वाले मंदिर की, वो जल रही है। आपको फाइनल लुक हम आप थोड़ी देर के बाद में दिखाएंगे, क्योंकि जो कान्हा जी का पांडल है वो नीचे भी रख लिया है, मतलब पट्टी के ऊपर, इस वजह से क्योंकि वहाँ की पूजा होगी। हमारा जो कान्हा है, हमारे घर का कान्हा, वो इधर उधर घूम रहा है। सो गाइस, आज का ये जो मेरा लुक था, ये आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ जो सारी चीज़ें चल रही हैं क्या है, सो उसका मैं आप लोग को रिप्लाई दूंगी, और जो सारी क्वेश्चन है सारा बताऊंगी। बट क्या है कि इस टाइम नहीं, ये सही टाइम नहीं है, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप फिर से वही सारी चीज़ें मतलब मत बोलिए कि ऐसा नहीं बोला आपने, इनको ऐसा नहीं बोला। तो मैं किसी चीज़ में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, दैट्स व्हाई मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, और बस यही। सो गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा कर लेना, क्योंकि बहुत पैसे रील बनाई है हमने वहाँ पर। और पता, मैंने जितनी कोल्ड ड्रिंक पी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ना वो कोल्ड नहीं हो जाए। इसके अलावा इसके बाद मुझे बहुत ज़रूरी काम करना है, जो कि आपको आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। सो अब ये देखो, ये आज मैंने नोज पिन पहनी हुई थी, कैसी लग रही हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा लुक जो है ये क्रिएट करा है, मेरे को दीदी ने सजेस्ट करा कि ऐसे इस टाइप से साड़ी पहनो। सो बस इस वजह से दीदी ने अच्छी तरीके से साड़ी पहना दी है, बहुत ही सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नेक पीस, जिसको भी अच्छी लग रही थी, मैं भी अच्छी लग रही थी ना। आप लोगों को कैसे लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आज हम लोगों ने ना ज्यादा कुछ ऐसा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं करा दिशु ने, मैंने ना इससे पहले हम लोग बस उसमें बिजी थे, मतलब यथार्थ के लिए ना इसको, और अभी हम दोनों ने टी शर्ट चेंज करी, इतना ज्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, मैं बता नहीं सकती। मतलब हमारी जो साड़ी का कलर था वो सिमिलर ही था, और पता नहीं मेरे यार इसमें फोन में क्या हो रहा है, ब्लर ब्लर सा हो रहा है, कि मेरे को ना टेम्पर चेंज करवाना पड़ा, टाइम नहीं मिल पा रहा। मम्मी और दीदी की बात चल रही है बैक कर में, अगर आपको सुन सुनाई दे रहा होगा ना, तो मम्मी और दीदी की बात चल रही है, मैं आपको बता नहीं सकती क्या बात चल रही है, ठीक है। पर बहुत मजा आया, मुझे पता है लोग पता कर कैमरा स्टार्ट होकर दीदी मुझे बात करने लगी, कैमरे भी जाएंगे सारी बात है इसलिए। और पता है दीदी कल जा रही है, और बस चली जाएंगी, अच्छा नहीं लगेगा फिर। आपको अच्छा लग रहा है, मासी आपकी मसाज कर रही है ना, हमारी भी मालिश कर रही है, हाँ हमारी दीदी। अच्छा जूजू भी पीना आपको है, अच्छी जूजू पीना है, दूध भी पीते जा रहे हैं, मालिश भी करवा रहे हैं। ये ना भगवान जी की ड्रेस और माला वगैरह रखी हुई है, मुकुट भी रखा है, प्लस यहाँ पे रखा हुआ है हवन, और मम्मी यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे चौकी में भगवान जी का जो झूला है वो लेके, इसमें हम अपने कान्हा जी को झुलाएंगे इनकी पूजा उनके जन्म होने के बाद में। बस वही पूजा की तैयारी चल रही है, दिशु का व्लॉग भी चल रहा है अभी जैसे क्या हमारा मंदिर, पर क्या है कि भगवान जी का झूला और बाकी कुछ भगवान जी और नीचे निकाल उतार लिए हैं, क्योंकि इस वजह से बाकी कलश वगैरह में दीपक भी चल रहा है, हवन की तैयारी भी हो गई है। अब बस हमारे कान्हा जी का जन्म हो रहा है। दीदी आ जाओ, आंगन की चला लो, ठीक है दीदी। क्या है कि दीदी यथार्थ के पास बैठे उसकी मालिश कर रही है, इस वजह से घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की,
जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार की जय कन्हैया लाल की। अभी ना मम्मी के पास में बहुत ही पुराने कान्हा जी, जब मम्मी की शादी हुई थी तब के हैं, और मम्मी जब से इनकी पूजा कर रही है नेक्स्ट ईयर, मम्मी ने बोला है कि मेरे को बड़े वाले कान्हा जी चाहिए, तो पापा ने बोला है कि ठीक है अगले बार हम बड़े वाले कान्हा जी लेके आएंगे और पूरा राम दरबार भी लेके आएंगे हमारे मंदिर के लिए। मम्मी छोटे छोटे भगवान जी रखे हुए हैं, पता है बड़े भगवान जी रखने में ना और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, टाइम से भोग लगाना, उनको सुलाना, प्रसाद लगा दी, आरती कर दी। वाओ कि छोटे रैया जी का मुंह देखो, इतना सुंदर हंसता हुआ चेहरा मनमोहने वाला, भगवान जी ने झूला झूले नंद लाल हमारे घर आंगन में, नमः स्वाहा। हम लोग ने ना इस बार करेक्ट 12 बजे पूजा करी हुई, 12 बजे ही भगवान जी का जन्म करवाया सारी चीज़ें। और पता है जब मेरी शादी हुई थी ना तब भी हम लोग ऐसे ना 12 बजे तक ही पूजा करते थे, और मेरे ससुराल साइड में ना जल्दी पूजा हो जाती है मतलब टाइम से, बट यहाँ पे 12 बजे के बाद ही जन्म होता था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता था ऐसे करके। ससुराल हर जगह का अपना अपना होता है, बाकी वहाँ पे भी सेलिब्रेशन हुआ है, मंदिर बहुत डेकोरेट है, मैं वहाँ होती तो वहाँ आपका शेयर आपके साथ में शेयर करती, बट इस बार आप मेरे मायके का व्लॉग इन्जॉय कर रहे हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर करते जाना प्लीज़ आप लोग, और जो भी न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाहर इतना अच्छा मौसम हो गया ना, मतलब बारिश भी हो गई है बाहर, गाड़ी तो हमारी वैसे ही धुल जाती है बारिश के टाइम पे, कोई बाहर खड़ी रहती है ना इस वजह से, और एक पता है एकदम ना ठंडक सी हो गई, हवन ला के ना यहाँ बाहर रखती, कोई बाहर बहुत ज़्यादा धुआं और था, बिजली कड़क रही है, और यथार्थ ना दीदी से मालिश करवाने के बाद उसको इतना ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ कि वो सो गया। सो गाइस इस व्लॉग में मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ खाना वाना खाने के लिए, तब मैं कंटिन्यू नहीं करूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम से व्लॉग चल रहा है वाला, और बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाएगा। देखो क्रैकर आवाज़ आ रही है और गाने वगैरह चलने की आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड में। सो सब जगह राधे कृष्ण भगवान जी का जन्म हो चुका है। सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।